उमंग के साथ अपने रिश्ते को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उमंग ने प्रताड़ना यातना की सभी हदें पार कर दी। जब तकलीफ असहनीय हो गई तब जाकर शिकायत करने का मन बनाया। ऐसा करने के लिए सोचने में भी 4 महीने लग गए। यह बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार की पत्नी ने बातचीत के दौरान कही है। उल्लेखनीय है, बीते दिनों पत्नी ने उमंग के खिलाफ धार के नौगांव थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता के मुताबिक पति सिंघार की प्रताड़ना को शुरुआत में काफी सहा, लेकिन यातनाओं का दौर थमने की बजाय लगातार बढ़ता गया। पुलिस तक बात ना जाए, रिश्ता ना बिगड़े, इस कोशिश में FIR कराने में 4 महीने लग गए। हर रोज सोचती थी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। मजबूरन पति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना पड़ा। पीड़िता ने पति सिंघार के पैसे के लिए शादी करने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। पीड़िता के मुताबिक पति से आज तक पैसे की डिमांड नहीं की, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी का हक बराबर का होता है। जितना हक पति का होता है उतना ही पत्नी का। पूर्व मंत्री एवं पति अपना जुर्म छिपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि पति उमंग सिंघार के खिलाफ कई प्रमाण हैं जो पर्याप्त हैं। अपनी न्याय की लड़ाई आखिर तक लड़ूंगी, जो प्रमाण मेरे पास है उन्हें कोर्ट के सामने पेश करूंगी।